हम कुछ कहने की जरूरत नहीं भाई साहब। अरे इतने रईस बाप का बेटियां हैं, बड़े लाड प्यारी से पाली हुआ है, इनका जिद्दी चंचलता और नखरेबाज होना तो लाजमी है। आप पहले लड़कियों को बुलाओ। अरे भाई लड़कियां भी आ जाएंगी लड़कियां, पहले आप मुझसे दो दो बातें तो कर लीजिए। सेठ धनेश्वर पीताम्बर, लड़कियों के पिताजी। नमस्कार, आपका नाम बहुत सुना था लेकिन आज आपका दर्शन हो गया, बहुत खुशी भी हो गया। नहीं नहीं, नहीं मुझको देखकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इस खुशी की उम्र ज्यादा नहीं बहुत कम है। आप क्या बोला मेरे को समझा नहीं। पिता ठीक है बैठिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए साहब, मेरी चार बेटियां हैं और चारों की चारों एक नंबर की चाप, चंचल, शरारती और जिद्दी हैं। यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं नहीं, इससे बहुत ज्यादा हैं। चलेगा? 5 लाख के लिए मैं गूंगी और बहरी से शादी कर सकता हूँ तो मेरा बेटा 5 करोड़ के लिए अड़ियल और अनाड़ी से भी शादी कर सकता है। पहले आप लड़कियों को बुलाओ। बुलाता हूँ। लक्ष्मी। वाह वाह, क्या नाम है, लक्ष्मी। सरस्वती। वाह वाह, क्या पवित्र नाम है, सरस्वती। पार्वती। वाह वाह, साक्षात देवियों का निवास यही है। दुर्गा। Hi, Dad. Oh, तो ये चपड़ गंजू आए हम बहनों को देखने। दुर्गा, इस तरह बर्ताव करते हैं मेहमानों से? ये मेरी चारों बेटियां हैं, ये लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा। ये मैंने आपके लिए खास अपने हाथों से बनाया है। मेरे लिए? ये तो हकलाने लगा। जी। और ये लड्डू मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। लीजिए ना, खाइए ना। बड़े घर की ही बेटियां हैं। ये मैंने बनाया है, ये भार का चूड़ा नहीं है, लीजिए। घर का घर बिगड़ा हुआ है। ये बुढ़ी चीख मार रही है। अरे क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग शर्म आती नहीं कह रहे हो क्या? झाग निकल रहा है। देखो, अरे अरे क्या खिला दिया तुम लोगों ने इनको? क्या करूं? ना, ए, ए, तुम क्या खच्चर की तरह खड़े हो? बुलाओ डॉक्टर को। दिस इज टू मच, हद हो गई शराफत की। सारे शहर में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो तुम। तुम मेरी बेटियां हो या पिछले जन्म के दुश्मन, जिंदगी हराम कर रखी है तुम सब ने मेरी। कल को तुम्हारी बदमाशी की वजह से किसी की जान पे बनाई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? कब तक बर्दाश्त करूं और क्यों बर्दाश्त करूं? अरे अगर तुम लोग मुझे कोई खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम दुख तो मत दो। मैं भी आखिर क्या मतलब, जब से तुम लोग मेरी नकल कर रहे हो, मेरी मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। तो और क्या करे डैडी, आप हर बार वही बातें दोहराते जो हम 100 बार सुन चुके हैं। अब तो आपकी डांट भी हमें बाहर याद हो चुकी है। आप हमारी शादी का ख्याल दिल से निकाल क्यों नहीं देते? हे भगवान, मैं इन लड़कियों को कौन सी जबान में समझाऊं? अरे लड़कियों का असली घर उनका मायका नहीं, उनका ससुराल होता है। एक दिन तुमको ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जब हम शादी ही नहीं करेंगे तो घर छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन तुम लोगों शादी से इनकार है क्यों? फिर वही घिसा पिटा सवाल। डैडी मैं लड़की होकर लड़कों से आगे हूँ, नो वन कैन बीट मी। और जो लड़का मुझे मात दे सके वो आज तक पैदा नहीं हुआ, तो फिर मैं किसी अरे गहरे से शादी कैसे कर सकती हूँ? No way, no way, Dad.
और शादी के लिए मेरी 5 शर्तें हैं। अब तक सैकड़ों लड़के आ चुके हैं और मेरी इन शर्तों को मानने से इनकार कर चुके हैं। सो डियर डैड, जब तक मुझे अपने इशारों पर नाचने वाला लड़का नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। और डैड, मुझे तो मर्दा से ही नफरत है। I just hate men. So please don't bother for me. मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी का ख्याल आप दिल से निकाल दीजिए डैडी, क्योंकि मैं किसी को चाहती हूँ लेकिन वो किसी और को चाहता है, इसलिए मेरा किसी और को चाहने का सवाल ही नहीं उठता। Is that clear? सेठ जी, सेठ जी, आप बहुत उदास है सेठ जी। फिदा भाई, आज मैं हार गया, आज मैं अपनी बेटियों से हार गया, क्योंकि ये जानती नहीं कि इस दुनिया में गरीबी किस चीज का नाम है, ये भी नहीं जानती कि इस हिंदुस्तान में करोड़ों गरीब माँ बाप की ऐसी बेटियां हैं जो अपने घरों में बैठी रह गई हैं, क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके लिए जहेज देकर नहीं आ सकते। मैंने सारी जिंदगी गरीबी से जंग की, यहां तक पहुंचा किसके लिए? अपने लिए, इनके लिए, इनका घर बसाने के लिए। आज ये मेरी बेटियां मेरे मुंह पे बोलती हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। लानत ऐसे बाप की जिंदगी पर, ऐसे बाप को डूब मरना चाहिए। सेठ जी, नाउमीदी कुफ्र है, उसकी कुदरत से मायूस नहीं होते, उसके पास हर मसले का हल है, हर जख्म का मरहम है। वो भेजेगा आपके दुख को सुख में बदलने वाला, वो जरूर भेजेगा। को चिल्लाता है, अरे ये तुम्हारा सुई अगर छुरी जैसे भोंक दिया तो मुझे तकलीफ नहीं होगा तो क्या मुझे गुदगुदी होगी? बात करती है। सुई से बहुत तकलीफ होता है तो? और गटर का सड़ेला शराब पीने से बहुत मजा आता है ना, ये तो तुम लकी था कि टाइम पर इधर पहुंच गया। चलो चलो, मुंह खोलो। हाँ, खोलूंगा, तकलीफ होगी थोड़ी लेकिन खोलूंगा। अरे मेरा नहीं, मेरा। स्टूपिड, ओह माय गॉड, मेरा घड़ी, मेरा घड़ी किधर गया? मेरे को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी में गिफ्ट मिला था, मेरा मदर इन लॉ ने दिया था। अगर मेरा घड़ी नहीं मिला ना तो मेरा हस्बैंड मेरे को डाइवोर्स दे देगा, मेरा मदर इन लॉ मेरे को जान से मार डालेगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा लोग का क्या होगा? मैं लुट गई, बर्बाद। हाँ? माय गॉड, मेरा घड़ी तुम्हारे पास कैसे आ गया? जैसा है अंगूठी कल मेरे हाथ में आया था। ओ माय गॉड, ये रिंग भी तुम्हारे पास था? मैं तो आखा घर छान मारी थी। थैंक यू। ओ नर्स, अपना नाक का तो लेते जाओ। अरे मेरा नाक तुमने कब उतारा? ए ऐसा बोलो, किसी ने अगर सुन लिया ना तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। बाय गॉड, मैं अभी तुम्हारे को नर्स नहीं करूंगी। हाँ, नहीं तो तुम मेरा सब कुछ उतार देगा और मेरे को पता पर नहीं चलेगा। नॉटी बॉय। ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, एक नहीं आ, अरे आज आ गए तुम लोग। ए मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे कलेजे के ठंडक, मेरे आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर। मामा एक दिन मरेगा जरूर। ए चुप बे खजूर। ए तू आया ना, बहुत अच्छा हुआ आया, मेरा गला पूरा सूख गया है 3 दिन से, दवा और पानी पीके पीके गले की वाट लग गई मेरी पूरी। ए तू लाया मेरी खुराक? ले ना मामा, पहली धार का लेके आया। ए पर ये तो नारियल पानी है। अरे तू चुस्की तो मार के तू देख, तू तो मगी। अच्छा, क्या कमाल का आईडिया है। ए इसमें बहुत कम कम आते रे, कम कम आते हैं। बोला ना टंकी है। ये ले, ये बहुत अच्छा आइडिया है, दिल को ठंडक पहुंच गई। ये देखो नारियल। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फ्रेश लगता है। नारियल पानी पीता है ना, इसमें बहुत ताकत होता है। हाँ,
भैंस तो मैं मेरा हस्बैंड पेस्टन जी को बोलती हूँ कि नारियल पानी पियो, नारियल पानी में बहुत ताकत होता है, पर वो मेरा जरा पर नहीं सुनता, उसको खाली दूध चाहिए दूध। बोल के नारियल चला गया। ये तू हमेशा लाएगा ना नारियल पानी? अरे बिंदास रे मामा, ऐसे 10-12 रोज पहुंच जाएंगे। अच्छा मामा। अरे इतनी सी लाता है, बोलता है अच्छा मामा। इज्जत से लाओ, पी ले। नमक की बीड़ी लाया ला। अरे एकदम तैयार है यार, तू खाली बकरा ढूंढना यार। ये टकले को घेर लूंगा जो आ रहे ना। ये घेरे में नहीं आएगा। क्या बात करता, चल तू बोलता तो छोड़ देता हूँ। बुड्ढे बोले ना पीछे वाले को। अरे नहीं यार, इसके बैग में एक्सरे के सिवा कुछ नहीं निकलेगा, या ऐसे ही घूलने वाला दुनिया से। इसको घेर लूंगा जो आ रहा लौटा। ले ले। एक्सक्यूज मी। यस। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, चरस गांजा अफीम और ब्राउन शुगर की स्मगलिंग करने वाले को गिरफ्तार करते हैं। तो आपकी चेकिंग करने आई है। आइए इधर 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 इधर। आप खुद चेक कर लो ना साहब। अच्छा, बहुत बात कर रहा है, चला तो पर कर। हाँ चल साइड में चल। ये क्या है? ये तो कोकीन है। कोकीन? कब से धंधा कर रहा है? हाँ साहब, ये पैकेट मेरे बैग में कहाँ से आया मुझे खुद नहीं मालूम, एक मिनट में चेक करता हूँ। चेक क्या करेगा, कोकीन है ये। अरे तो मेरे बैग में निकला तो मैं चेक तो करूंगा ना साहब। ये तो नमक है। हाँ चल भाग जा, ऐसे कभी मत आना, चल जा। कौन सा डिपार्टमेंट बताया तुम दोनों ने? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। नारकोटिक्स या फिर नौटंकी डिपार्टमेंट? पिछले 12 सालों से इस धंधे में हूँ, करोड़ों के ड्रग्स यहाँ से वहाँ कर चुका हूँ। बताऊँ ड्रग्स क्या? नहीं नहीं रहने दो ना। अरे रहने दो, देख लो देख लो। अच्छा चलो दिखाई दे, चलो दिखा रही मैंने। दिखाऊँ? ये है ड्रग्स, ब्राउन शुगर। ओह ब्राउन। और ये है घोड़ा। अब तुम दोनों गधों को कहाँ मारूं बताओ? मारने मराने की बात क्यों कर रहे हैं भाई साहब आप? ए क्या हो रहा है इधर? और तुम दोनों टपोरिया क्या कर रहे हो? साहब वो कुछ नहीं, हम लोग तो बाथरूम करने के लिए आए थे, लेकिन भाई साहब के पास घोड़ा है, गर्द है, भाई साहब बहुत डेंजरस है। ए, गलती से यू आर अंडर अरेस्ट। अरे तू तो गया, तुझे पता नहीं तूने किसका माल पकड़वाया है। आज से अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दे, शुरू कर दे, समझे? अरे चाल तू तो गया यार। कनू ये बड़े हुल जबड़ दे रहा, आखिर ये है कौन बे? किसी बड़े आदमी का आदमी लग रहा है।